कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। आपको बता दें कि जो नई रिजीम जारी की गई है, उस नई रिजीम से लोगों को उन जॉब में जो सैलरी पेड लोग हैं उन्हें इसका सीधा लाभ मिले। 7 से 10 लाख तक आय पर 10% तक टैक्स देना होगा। और इस टैक्स स्लैब में जो बड़े बदलाव किए गए हैं वो नीचे से लेकर ऊपर तक किए गए। हालांकि स्टैंडर्ड डिडक्शन में 75,000 रुपए तक की छूट रहेगी और 3 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। और ये स्लैब थोड़ा घटाया गया। हालांकि बड़ी राहत की और उम्मीद की जा रही थी कि संभव है कि बड़े जो हाई इनकम ग्रुप हैं उनको भी कुछ राहत मिले, लेकिन यहां पर वो स्लैब नहीं बढ़ाया गया। और फिलहाल जो फौरी राहत मिली है वो निचली इनकम वालों को, लो इनकम वालों को मिली है। और इसमें 3 से 7 लाख की आय पर 5% टैक्स देना होगा। तो लगभग जो मिडिल क्लास है अंशिका, वो इसके जरूर दायरे में आएगा। और मिडिल क्लास, एक मिडिल मैन जो एक आम जीवन जॉब के सैलरी पेड लोगों के लिए होता है, उसमें टैक्स लैब में कुछ और छूट की उम्मीद की जा रही थी। और बदलाव के बाद ये जो तस्वीर जारी हुई है, ये जो एक नया रिजीम जारी किया गया, इसमें आने वाले समय में भी और कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि ये जो पूरा बदलाव किया गया है, एक्सपर्ट से बातचीत करने पर और सरकार के दावे पर अगर नजर डालें तो उससे साफ है कि ये देश या प्रदेश के लिए नहीं, ये ग्लोबल लेवल पर अपने भारत देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लिया गया निर्णय है। हालांकि थोड़ा सा ये सख्त निर्णय जरूर है और इस सख्ती से देश के लोगों पर थोड़ा आर्थिक बोझ तो पड़ेगा, लेकिन दावा यह किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि ग्लोबल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर जो भारत की अर्थव्यवस्था को 5वें से 3रे नंबर पर लाने का लक्ष्य, उसे प्राप्त करने में यह मददगार साबित होगा। बिल्कुल। और बजट की कुछ अहम बातें ये भी हैं कि इस बजट को अगर हम देखें तो कैंसर दवा, सोना चांदी, प्लैटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर और साथ ही लेदर और जो सी फूड्स हैं, मोबाइल चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटकर 15% हो गई है। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी घटकर 6% हो गई है। तो सोना चांदी को लेकर बहुत बड़ी राहत मिली है। इसके अलावा सैलरीड के लिए तो नई टैक्स रिजीम में 7.5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है। इसके अलावा 17.5 का फायदा जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट 15,000 से बढ़कर 25,000 हो चुकी है। पहली बार नौकरी करने वालों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। और अभिषेक ध्यानी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी। टैक्स है के मामलों में आपसे जरूर हम समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी कंफ्यूजन ये जरूर है कि जो नया टैक्स रिजीम आया है उसमें टैक्स पेयर्स के लिए, जो हर जगह टैक्स भर रहा है, चाहे वो मेट्रो में ट्रेवल कर रहा है, वो भारतीय रेल में ट्रेवल कर रहा है, दुकान से कुछ सामान खरीद रहा है या क्रेडिट कार्ड कहीं स्वाइप कर रहा है, वो हर जगह टैक्स पे कर रहा है, लेकिन अब इनकम टैक्स में भी थोड़ा सा अतिरिक्त बोझ उन्हें झेलना पड़ेगा। ये भारतीय अर्थव्यवस्था को 3रे नंबर पर ले जाने के लिए इतना जरूरी है क्या? आपने अर्थव्यवस्था की बात करी, आप ये देखिए कि जो युवा वर्ग है, जो आज का युवा वर्ग है, उसको जो पैकेजेस मिलते हैं जी, वो कई लाखों के होते हैं। मेरा ये मानना है कि जो सरकार ने 3 लाख तक के लिए कहा कि कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, इसको कम से कम 5 लाख होना चाहिए था। और जो 15 लाख पे उन्होंने कहा कि इसके ऊपर 30% लगेगा, इसकी लिमिट उन्हें 15 से 20 लाख करना चाहिए थी। क्योंकि जितनी भी मेट्रो सिटीज है, आज जो मेरा युवा वर्ग है, जो भी जिनके पास जॉब्स हैं, उनके पास कम से कम 10 लाख से और 20 लाख के ऊपर ही पैकेज रहता है। अगर वो टैक्स के बोझ तले दबे रहेंगे तो आप ये सोचिए कि वो सेविंग्स कहाँ से कर पाएंगे। साथ में आप ये देखिए कि आपने विश्व की बात करी कि तीसरी अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था के साथ सरकार ने एक बात नहीं कही कि पिछले 9 साल में सरकार का 181% 181% लोन, जो कर्ज वो लेती है, वो बढ़ गया है। आज की तारीख में अगर आप डेब्ट्स की बात करें केंद्र सरकार की, तो वो है 1,83,000 करोड़, जो पिछले साल के मुकाबले 15,00,000 करोड़ बढ़ गया है। आपका सेंसेक्स 1,100 पॉइंट नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 से सीधा 12.5% कर दिया, एंजल टैक्स आपने खत्म कर दिया। लेकिन आप दूसरी चीजों पर भी ध्यान देखिए कि जो मध्यम वर्ग है, जो मैं जिसको बैकबोन बोलता हूँ इंडियन इकोनॉमी का, वो आप उसके लिए क्या किया, आपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए क्या किया? ठीक है अभिषेक जी, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अगर सीधे सीधे सवाल किया जाए, न्यू टैक्स स्लैब और पुराने टैक्स स्लैब को कंपेयर किया जाए, तो कौन सा बेहतर समझ में आ रहा है?
बट नेचुरली न्यू टैक्स रिजीम बेहतर रहेगा क्योंकि उसमें कर का जो बोझ रहता है वो कम आता है। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि इससे पहले जो 80CCC और 80C में डिडक्शंस मिलते थे वो भी नहीं मिल रहे हैं। तो कुल मिला के आप ये देखिए तो ये बैलेंस्ड चीज़ है कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं और आपको जो टैक्स लगता है बट नेचुरली कि आपको कम आता है। ठीक है, और एक जो फैसला लिया गया या हम कह सकते हैं ऐलान किया गया उस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगी। मिथिलेश मेरे साथ जुड़े हुए मेरे सहयोगी। मिथिलेश, आप जहां पर मौजूद हैं बात करने की कोशिश कीजिए कि जो बजट पेश किया गया उस पर क्या प्रतिक्रिया है, वहां पर लोगों की क्या रिएक्शंस हैं। इस वक्त मैं उद्योगपतियों के साथ ही मौजूद हूं, लेकिन मेरे साथ में एक्सपर्ट हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट अर्थशास्त्री पंकज शाह सर, सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, ओवरऑल ये बजट कैसा रहा? देखिए, ओवरऑल बजट की अगर हम बात करें तो एक मिक्स बजट रहा, पर इसमें एक जो आमूलचूल परिवर्तन करता हुआ मुझे चेंज नजर आया वो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए है। सरकार ने घोषणा की और दिशा बताई कि भू आधार लेके आ रहे हैं। जैसे हमने इनकम टैक्स में आधार पैन लिंक किया, वैसे हर जमीन जब आधार से लिंक हो जाएगी तो इसका बहुत बड़ा परिणाम आगा है। इससे बेनामी संपत्तियां उजागर होगी। मोदी जी विदेश से काला धन नहीं ला पाए, पर देश में छुपा हुआ जो काला धन जो रियल एस्टेट में छुपता है वो बहुत कुछ बाहर आएगा। और इसके लिए कैपिटल गेन का रेट भी उन्होंने 20% से घटा के 12.5% कर दिया जो जमीन के ऊपर लॉन्ग टर्म रहेगा। तो ये एक बड़ा चेंज है। और ये धन बाहर आएगा कैसे, तो अगर कोई बेनामीदार ये संपत्ति बताता है तो उसको कोई पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, ये भी बजट में घोषणा की गई। तो रियल एस्टेट के लिए एक बहुत बड़ा कदम जिसका इम्पैक्ट हमें अगले 5 से 10 सालों में देखने मिलेगा वो ये भू आधार का कंसेप्ट जो बजट में बताया वो लग रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज के लिए MSME के लिए बहुत कुछ अपेक्षित था, पर वो बेनिफिट आए नहीं है इसके अंदर। बल्कि जो 45 दिन के पेमेंट के रूल की समस्या आ रही थी वो बढ़ा के अब जो है 250 करोड़ तक कर दिया है इन्होंने। पहले 50 करोड़ से माल लेने वालों को ये था, अब 250 करोड़ तक के लिए बेनिफिट इन्होंने कन्फर कर दिया, जिससे इंडस्ट्रीज में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हम बात करें इंडिविजुअल की, तो एक नौकरी पेशा व्यक्ति एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार मेरे लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन जो छूट है वो कम से कम 2 लाख तो बढ़े, और उसको नाम मात्र 50,000 से बढ़ा के 75,000 किया गया। और जो स्लैब रेट भी कम किए गए हैं तो 15 लाख तक की आय वाले को मात्र 1% का 17,000 रुपये का फायदा मिल रहा है। तो उसको बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ नहीं मिल रहा। पर जो ईमानदार युवा जिसने पहले मुद्रा लोन लेके लोन चुका दिया और व्यापार कर रहा है उसको बेनिफिट देते हुए अब उसके लिए 10 लाख के बजाय 20 लाख तक का मुद्रा लोन ले सकेगा, तो ये ईमानदारी का प्रतिसाद भी सरकार ने इस बजट के अंदर दिया है। आयकर कानून में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं, और उसको कहते ही सिंप्लीफिकेशन जो कहा गया था वो तो नहीं है। स्टार्टअप के लिए कुछ बेनिफिट जरूर लेके आए हैं कि एंजल टैक्स उन्होंने वहाँ के लिए अबॉलिश कर दिया। तो कुल मिला के एक मिश्रित बजट है, बहुत सारी अपेक्षाएं थी, और सबसे बड़ा जो हिट आ रहा है म्यूचुअल फंड और फाइनेंशियल सेक्टर को, उनके लिए बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं जिसका परिणाम अब हमको यहाँ पर बजट के बाद में देखने मिलेगा। राइट सर, थैंक यू। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। सर, इस बजट को कैसे देखा आपने? बजट जो है वो काफ़ी अच्छा बजट है, जैसे निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा कि मोदी सरकार के तीसरे टर्म का यह पहला बजट है और आगामी बजट इसी पर बेस रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं सरकार की दूरदर्शिता दूरगामिता को प्रतीत परिचायक है ये बजट। और एक तरह से देखें युवाओं के लिए काफ़ी अच्छी इसके अंदर घोषणाएँ की गई है। युवाओं के स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है, यहाँ बोला गया है कि युवाओं को स्किल के लिए या हायर एजुकेशन के लिए लोन जो है वो 7.5 लाख तक मिलेगा, तो बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो उनके लिए 100 करोड़ तक का गारंटी सरकार दे रही है इक्विपमेंट्स के लिए या मशीनरी के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बात करते हैं महिलाओं की, युवाओं की, कृषि की या ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, पूरा बजट उसी पर बेस्ड है। आज हमारे देश में 29 वर्ष की आयु जो है एक औसत आयु चल रही है, एक यंग देश हमारा देश है। और जब हम पहले 400-500 सालों पहले का भारत देखते हैं तो वो विश्व का नंबर वन देश था। उसी लाइन में इस बजट को बनाया गया, और मुझे लगता है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर नंबर वन बनाने के लिए यह बजट रहेगा, 10 में से 8 नंबर इस बजट को दिए जा सकते हैं। आप भी युवा हैं, युवाओं के लिए कैसा रहा ये बजट? जी, चूंकि मैं युवा हूँ, युवा वाली कैटेगरी में लाया कर रहा हूँ, मेरा सबसे पहला कहना तो इस पूरे बजट पे ये होगा कि सिंस हमारी जनरेशन में एक काफ़ी फैंसी वर्ड बन चुका है स्टार्टअप्स, एंड काफ़ी लोग स्टार्टअप की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सबसे एक बेहतर पॉइंट था कि एंजल इन्वेस्टमेंट पे हमें कई एक काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन देखने मिला इस बजट में, जो कि काफ़ी लोगों के लिए सपोर्टिव होगा। दूसरा, कई सारी चीज़ों में मैं ये देख सकता हूँ कि हमारी जैसे कई सारे इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स होते थे, जैसे साउथ एशियन कंट्रीज़ में जो जा रहे थे, हमें कई सारे एग्जेम्पशंस मिले जो कि कस्टम टैक्सेस एंड कस्टम ड्यूटीज़ में हो रहे हैं, जिससे इंडिया का इकोसिस्टम बढ़ेगा। और लास्टली, एक
जो चीज़ मैंने एक और इस पूरे बजट के लिए कंक्लूड करी वो ये है कि इस पूरे बजट को ना ग्लोबल पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी इंक्लूड करी गई है जो कि ग्लोबल पॉलिसी या ग्लोबल फ्रेमवर्क्स को मिलकर बनाई गई है, जिसके कारण एक बेंचमार्क हमारा बढ़ते जा रहा है और ये काफ़ी अच्छी बात है इंडिया के लिए। किस सेक्टर को ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है? अपन ओवरऑल अगर देखें तो कृषि के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, तो मुझे लगता है कि जब कृषि को बढ़ोतरी मिलती है तो सारे इंडस्ट्रीज जो हैं अपने आप में एक फ़ायदा लेती है। मिनरल्स को भी इस बजट के अंदर इंक्लूड किया गया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जब विदेशी निवेश को आप अपने देश में लाते हो तो इसका फायदा बहुत बड़े स्तर पर पूरे देश भर को मिलता है। और जैसा कि कहा जा, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आप प्लीज कीजिए कि उनके लिए कितना फायदा हुआ है, उनके लिए कितना नुकसान है, और दोनों ही इस लाभ को अगर हम कंपेयर करें नए और पुराने। एक पुराने और नए बजट को देखा जाए तो दोनों में क्या डिफरेंस रहा, और युवाओं के लिए रोजगार पर कितना फोकस रहा इसमें? पुराने और नए बजट को देखें तो बजट तो सरकार चौंकाने वाला ला ही रही है, हर साल एक नया लाती है। इस बार आप देखेंगे बजट में आंकड़े नहीं दिखाए गए हैं, वो फाइन कॉपी जब आएगी किस क्षेत्र को कितना दिया है तो वो वहाँ पता चलेगा। तो सरकार ने चौंकाया है पुराने बजट के माध्यम से भी, नए बजट के माध्यम से भी। दूसरा आपका सवाल ये था कि युवाओं के लिए कितना काम किया गया, तो वाकई जो युवाओं के लिए हम बात करें, हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए के लोन की, या हम बात करें उनके लिए इंटर्नशिप की, या हम बात करें युवाओं को गवर्नमेंट के द्वारा प्रोत्साहन की, जो 5,000 रुपये महीने का एक सरकार बोली है कि आपको एम्प्लॉयमेंट में मिलेगा फ़ायदा, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं 1 करोड़ युवाओं को आगामी 5 सालों के अंदर जो फ़ायदा मिलने वाला है, 20 लाख युवाओं को ओवरऑल फ़ायदा देने की बात 1 साल के अंदर हुई है, निश्चित तौर पर ये युवाओं को फ़ायदा मिलेगा। आज हमारे देश की जो उम्र है वो 29 साल की है और ये कहीं ना कहीं युवा इससे बेनिफिशियल होंगे। जी, हमारे साथ एक और चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। युवाओं के रोजगार वाला सवाल इनसे ले लेते हैं कि युवाओं के रोजगार को लेकर इस बजट में कितना फोकस रहा है? जैसा कि बजट में शुरुआत में ही बोला गया था कि युवा, महिला, गरीब और किसान, तो इसका मतलब है जब पूरा बजट को फोकस में जहाँ भी बात की गई है वहाँ पे युवाओं के एम्प्लॉयमेंट की भी बात की है, एंटरप्रेनर डेवलप करने के लिए भी बात की है, जैसे मुद्रा लोन भी आपका बढ़ा दिया है 10 से 20 हो गया है, और काफ़ी सारी जगह स्किल के लिए भी उन्होंने बात किया है कि एज अ ट्रेनी मतलब जो युवा लोग हैं वो टॉप 500 कंपनी में ज्वाइन करेंगे उसके लिए सरकार उनको स्टाइपेंड देगी। तो इस तरीके से युवाओं पे फोकस ही रहा है बजट, और साथ में टेक्नो, डिजिटल, एंटरप्रेनरशिप और स्किल के लिए युवाओं के बारे में काफ़ी प्रावधान है बजट। उद्योगपति तो मुस्कुरा रहे हैं, उद्योगपतियों के चेहरे पे मुस्कुराहट है ये इस बजट के बाद। देखिए, ये पूरा जो बजट है वो एक बहुत स्ट्रेटेजिक बजट है, उद्योगों को कमर कसने की ज़रूरत है क्योंकि चाइना से मुकाबला करने के लिए मोदी सरकार हम सबको तैयार कर रही है। ऐसी कई योजनाएं जो रोजगार के क्षेत्र की जुड़ी हुई है जिसमें अब हमारे श्रमिकों को भुगतान एक निश्चित हिस्सा केंद्र सरकार की ओर से मिलेगा। अगर हमारे लोगों के लिए एक अच्छे फंड की भी इंतजाम किया है, एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट देने के लिए कई ऐसी योजनाएं सरकार लाई है जिनका भुगतान जल्दी हो सके। 250 करोड़ से ऊपर के कंपनियों को ट्रेड्स में अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है ताकि वो जिनसे खरीद रहे माल उनको बिल डिस्काउंटिंग के माध्यम से 2 से 3 दिन के अंदर भुगतान हो सके। तो इस प्रकार के एक छोटी छोटी बातों पर सरकार ने चिंता की है। चाइनीज प्रभुत्व समाप्त करने के लिए कई उत्पादों पर इम्पोर्ट ड्यूटी शून्य की गई है जो इस उद्योगों के यहाँ के रॉ मटेरियल है। तो गंभीरता से देखने की ज़रूरत है कि उद्योग अब तेज गति से चलेंगे, प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क के निर्माण में सहायता प्रदान की जाएगी, अब निजी सेक्टर को भी इस प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट में बिल्कुल सलोजा साहब बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे जो जानकार हितमित्र हैं उनके मैसेजेस आ रहे हैं, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मोबाइल सस्ता होगा तो हमें क्या फायदा, चमड़े का सामान सस्ता होगा तो हमें क्या मिला, हमें तो जो सैलरी मिलती है उसमें से भी टैक्स सरकार ले रही है, किसानों पर फोकस किया जा रहा है, किसानों की फसल खेत में खड़ी हो नहीं पाती, वो खराब हो जाती है, मौसम खराब हो जाता है, व्यापारियों के लिए जो एंजल टैक्स था वो हटा करके उसे स्टार्टअप की तरफ भेज दिया। ये बजट क्या कहना चाह रहा है? क्या सरकार थोड़ी सी पनिशमेंट दे करके देशवासियों को हल्की एक्सरसाइज करा करके आगे के लिए तैयार कर रही है क्या? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। अगर आप इस बजट को देखें तो जैसे कि एक पहले के वक्ता बोल रहे थे, बड़ा स्ट्रेटजिक बजट है और वाकई उन्होंने बहुत स्ट्रेटजिकली देश के मीडियम टर्म ग्रोथ प्लान को टारगेट किया है। उन्होंने कोशिश करी है कि ऐसे क्षेत्र जहां पे कि
ग्रोथ बहुत ज़्यादा आ सकती है, जहाँ से रोज़गार बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकता है, उन क्षेत्रों को ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करी है। रही बात जो आपको प्रश्न आ रहे हैं मोबाइल सस्ता होने या उनके, देखिए कहीं ना कहीं सरकार ने लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने की कोशिश करी है टैक्स में कुछ ना कुछ कटौतियां करके, और चाहे वो कस्टम्स की तरफ हो चाहे वो पर्सनल इनकम टैक्स की तरफ हो, सरकार का यही मकसद है कि आपके हाथ में जब पैसा होगा तो आप अपना कंजम्पशन बढ़ाएंगे। यदि हम पुराना डेटा देखें तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसकी ग्रोथ रेट 3-4% सालाना से हो रही थी, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ा सा एक चिंता करने वाला विषय था, तो सरकार ने कोशिश करी लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा देके उस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए और देश की जो ग्रोथ है जो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ है उसे बूस्ट किया जाए। सप्लाई साइड पर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करके प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव देके ग्रोथ को बढ़ाने के लिए प्रयास कर ही रहे, टैक्स में कटौती करके उन्होंने डिमांड साइड को भी साथ में बूस्ट करने की कोशिश करी है। कृषि प्रधान हम अपने आप को अब तक भी मानते हैं, कृषि प्रधानता के लिए बहुत सारे टेक्निकल जो सपोर्ट है, चाहे वो ड्रोन्स के माध्यम से फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हो या फिर उस कृषि योग्य भूमि की मैपिंग हो, बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन सरकार करने का प्रयास कर रही है। महंगाई दर 4% तक ले जाने का प्रयास है, और ये महंगाई और कृषि का बहुत सीधा सा कनेक्शन है। उपज में हम जितनी लागत लगाते हैं, जितने प्रयास हम सरकार की तरफ से देखते हैं, वो फसल बिकने तक वो किसानों को मिल नहीं पाते। अब की बार जो बदलाव किए गए, क्या इसका सीधा लाभ किसानों को मिल पाएगा? सलूजा साहब, देखिए किसानों को हर बार सरकार की कोशिश तो यही होती है कि किसानों को सीधा लाभ मिले, पर कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे जो कृषि का जो क्षेत्र है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं एक मिडिल मैन का प्रॉब्लम, वो कुछ ना कुछ किसानों तक पहुँचने वाले बेनिफिट को कम कर देता है। लेकिन इस बार हमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है कि सरकार ने इस बार कृषि को पर्यावरण से जोड़ने की बहुत अच्छी पहल करी है। उन्होंने ऐसे बीजों की उपलब्धता की कोशिश करी है जिससे कि क्लाइमेट चेंज जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सके, पर्यावरण को होने वाला नुकसान कम हो सके। मतलब सरकार देखिए कृषि क्षेत्र आर्थिक अर्थव्यवस्था की पूरी ग्रोथ को आगे ले जाना चाह रही है, लेकिन जो उसका पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है उसको ध्यान में रखते हुए आगे ले जाना चाह रही है। तो आज हो सकता है कि हमारे किसान को इस साल में सीधा सीधा उतना लाभ नहीं मिल पाए, पर कहीं ना कहीं मध्यम और अगर हम आगे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से देखें तो जरूर ये चीज़ें हमारी जो यील्ड पर हेक्टर है और जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाएगी और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हमारे देश को लेके जाएगी। ठीक है, बजट में ऐसी कई सारी चीजें हैं, कई बड़ी बातें हैं। हमारे साथ अभिषेक जी भी जुड़े हुए हैं, अभिषेक ध्यानी जी। अभिषेक जी, युवाओं को नौकरी देना एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, इस पर विपक्ष ने भी सरकार को कई बार घेरा है कि रोजगार बहुत बड़ी चीज है और बेरोजगार युवा घूम रहे हैं। ऐसे में पहली नौकरी वालों के लिए एक लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार 15,000 का सब्सिडी जो है सरकार की तरफ से दिया जाएगा, और इंटर्नशिप के लिए बड़े कंपनीज के साथ में जो डील किया गया है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं?